हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर कर रहे हैं हैदराबाद के कुछ टूरिस्ट प्लेसेस को। तो व्लॉग की शुरुआत करते हैं सबसे पहले भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित हैदराबाद के बिरला मंदिर से। हैदराबाद का यह बिरला मंदिर सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक दर्शन के लिए खुलता है और फिर दोपहर 12 बजे बंद हो जाता है। उसके बाद दोपहर 3 बजे दोबारा खुलता है और रात के 9 बजे तक खुला रहता है। यह मंदिर 200 टन प्योर व्हाइट मार्बल से बना हुआ है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। क्योंकि मंदिर के अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, इसीलिए मैं मंदिर के अंदर का दृश्य कैप्चर नहीं कर सकी। फिर भी आपको बताना चाहूँगी कि मंदिर के अंदर भगवान वेंकटेश्वर यानी कि भगवान विष्णु जी की 11 फुट ऊँची मूर्ति है और प्रतिमा के ऊपर एक सुंदर सी छतरी है। मंदिर के परिसर में भगवान विष्णु जी की पत्नी पद्मावती का भी मंदिर है। इसके अलावा मंदिर परिसर में शिव, शक्ति, गणेश, सरस्वती, ब्रह्मा, लक्ष्मी आदि देवताओं की प्रतिमाएं भी स्थापित की हुई हैं। मंदिर की दीवारों में गुरुवाणी का पाठ लिखा गया है। इस प्रकार यह मंदिर नागर और दक्षिण भारत मंदिर वास्तुकला का एक अद्भुत मिश्रण है। बिरला मंदिर में दर्शन करने के पश्चात हम मंदिर के पास अन्य प्लेसेस को विजिट करने के लिए निकल पड़े। सदियों से हम इमारतों को ईंटों और पत्थरों की ही बनते देख रहे थे। क्या कभी किसी ने सोचा था कि एक दिन बिल्डिंग स्टेनलेस स्टील की भी बनेगी? गाइस, ये जो आपको दीपक दिख रहा है वास्तव में यह स्टील से बनी बिल्डिंग है, जिसे दीपक की शेप दी गई है। यही नहीं, इस बिल्डिंग को रियलिस्टिक फील देने के लिए एक लॉ भी बनाई गई है, जिसे अमर ज्योति कहा जाता है। यह उन 369 स्टूडेंट्स जो 1969 में तेलंगाना राज्य के ये आंदोलन करने के दौरान शहीद हुए थे को समर्पित है, ताकि हम वास्तव में उनको श्रद्धांजलि दे सकें। ताजमहल की तरह दिखने वाली यह बिल्डिंग वास्तव में तेलंगाना राज्य का सेक्रेटरिएट है, जिसे आधिकारिक तौर पर बी.आर. अंबेडकर सचिवालय के नाम से जाना जाता है। यह टोटल 28 एकड़ भूमि पर है, जो कि इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट सेक्रेटरिएट है। इसे बनाने में 600 करोड़ का खर्चा आया है। इस सेक्रेटरिएट की खास बात यह है कि यहाँ पर मंदिर, मस्जिद और चर्च एक ही स्थान पर बने हुए हैं। तेलंगाना शहीद स्मारक और सेक्रेटरिएट के साथ ही एक पार्क है, जिसे लुम्बिनी पार्क कहा जाता है। आप यहाँ पर 20 रुपीज पर पर्सन के हिसाब से एंटर कर सकते हैं। पार्क का दृश्य इस प्रकार से है। शहर के व्यस्त जिंदगी से दूर परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए यह एक बेहतरीन जगह है। पार्क के पास ही हुसैन सागर लेक है और लेक की खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है इसके बीचों बीच बना बुद्धा स्टैच्यू। हुसैन सागर लेक एक मैन मेड लेक है और इसे हार्ट शेप में 1563 में इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। यह दो शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद को आपस में जोड़ती है। झील के बीच में बनी हुई बुद्ध की विशाल प्रतिमा सफ़ेद ग्रेनाइट से बनी हुई है। इसकी ऊंचाई 58 फीट है और इसका वजन 350 टन। आप मोटर बोट के माध्यम से इस मूर्ति तक पहुंच सकते हैं, जिसके टिकट की कॉस्ट 50 रुपीज पर पर्सन है। तो हम चल पड़े हैं बुद्धा स्टैच्यू की ओर। स्टैच्यू के पास पहुंचकर आप फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर सकते हो। यहाँ पर आपको कुछ समय के लिए हैंग आउट करना है, फिर उसी बोट में आपको वापसी करनी है। ये था हमारा आज का सफ़र। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।